Hey guys, welcome to my new video on navigation bar, and today we will learn how to make a awesome looking UI design navigation bar और drop down menu और inner menu कैसे design करते हैं हम इस video में वो भी सीखेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे नए folder के अंदर। यहाँ पे मैंने .css और .html files को already create किया हुआ है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और .css फाइल को मैंने लिंक टैग के थ्रू ऑलरेडी हेड टैग के अंदर कनेक्ट किया हुआ है CSS फाइल में। यहाँ पे ऐड करेंगे बॉडी, बैकग्राउंड कलर हैश E3। E3EDF7 और ब्राउज़र को रन करेंगे। HTML फाइल को ओपन करेंगे विद गूगल क्रोम। और अब हम चलेंगे बॉडी टैग के अंदर। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे div.navbar। इसके अंदर ऐड करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। विद एंकर टैग और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ 6 times और चेंज कर लूँगा अबाउट अस, सर्विस, ब्लॉग, टेक्नोलॉजी एंड कॉन्टैक्ट। अब ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे और वापस से चलता हूँ HTML फाइल में और नेवबार को कॉपी कर लेता हूँ और CSS फाइल के अंदर ऐड करेंगे .navbar। इसके अंदर टाइप करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉक्स शेडो 0 pixel, 5 pixel, 10 pixel, -3 pixel, हैश C9 D1 DE, अगेन नेवबार कॉपी पेस्ट स्पेस UL। इसके अंदर डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स, लिस्ट स्टाइल टाइप नन और ब्राउजर को रन करेंगे। अब HTML फाइल में लिस्ट टैग के अंदर ऐड करेंगे क्लास मेन मेन्यू। मेन मेन्यू को कॉपी करके CSS ऐड करेंगे डॉट मेन मेन्यू। इससे पहले ऐड करेंगे नेवबार स्पेस UL, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, सॉरी मार्जिन 10 pixel, 40 pixel, पैडिंग 15 pixel। कॉपी दिस एंड पेस्ट स्पेस ए। इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर हैश 7E 8A 9A, फॉन्ट साइज 14 pixel, फॉन्ट वेट बोल्ड। ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे। वापस से चलेंगे CSS फाइल के अंदर। यहाँ पे ऐड करेंगे पैडिंग के बाद बॉक्स शेडो 6 pixel, स्पेस 6 pixel, स्पेस 10 pixel, स्पेस -1 pixel, RGBA कलर 0 0 0 0.15, कोमा। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और चेंज कर लेंगे -6 pixel। RGBA के अंदर ऐड करेंगे 255 255 255 0.7 और ऐड करेंगे बॉर्डर 1 pixel सॉलिड, हैश 0 0 0, बॉर्डर रेडियस 5 pixel और ब्राउज़र रन करके चेक करेंगे। और इसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ होवर। इसके अंदर ऐड करेंगे बॉक्स शेडो इनसेट 4 pixel, 4 pixel, 6 pixel, -1 pixel, RGBA 0 0 0 0.2,
इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और दोबारा से ऐड करेंगे -4 पिक्सल -4 पिक्सल और RGB के अंदर 255 255 255 0.7, और इसके बाद ऐड करेंगे -0.5 पिक्सल स्पेस -0.5 पिक्सल स्पेस 0 पिक्सल RGBA 255 255 255 1, और एक और ऐड करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ 0.5 पिक्सल 0.5 पिक्सल और RGB के अंदर 0.0 0 0.05 0.15 0 पिक्सल 12 पिक्सल 10 पिक्सल -10 पिक्सल RGBA 0.0 0.05, और ऐड करेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGBA 0.0 0.0 0.01, और ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे, हमारा नेविगेशन बार ऑसम बॉक्स शैडो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वापस से चलेंगे CSS फाइल के अंदर और मेन मेन्यू के अंदर ऐड करेंगे बॉर्डर के अंदर RGBA 0.0.0, और वापस से ब्राउज़र को रन करेंगे और चेक करेंगे। अब वापस से चलेंगे CSS फाइल के अंदर, CSS फाइल के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 2 पिक्सल, यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.05 सेकेंड। ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे, मेन मेन्यू होवर के बाद स्पेस ए ऐड करेंगे कलर हैश ब्लैक, ब्राउज़र रन करके चेक करेंगे। अब चलेंगे HTML फाइल के अंदर और यहाँ पे ऐड करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और HRF के अंदर यहाँ पे हम लिंक ऐड करेंगे। इसके लिए गूगल सर्च करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम CDN, फर्स्ट लिंक ओपन, कॉपी करके पेस्ट करेंगे HRF के अंदर हैड टैग के अंदर। अब वापस से सर्च करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स, फर्स्ट लिंक ओपन, यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करेंगे होम, और फर्स्ट आइकन को ओपन करेंगे। आई टैग को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे एंकर टैग से पहले, एरियल हिडन ट्रू को हम रिमूव कर देंगे और केवल आई टैग को हम कॉपी करके एंकर टैग से पहले पेस्ट करेंगे सभी लिस्ट के अंदर, और कंटेंट चेंज कर लेंगे FA यूज़र FA क्लोन FA WP फॉर्म्स FA टेलीविज़न FA फोन। ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे, अब FA को कॉपी करके CSS फाइल में ऐड करेंगे और नेव बार इसके पहले ऐड कर देंगे। मार्जिन राइट 8 पिक्सल, कलर हैश 7A9A8A9A, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और होवर के बाद डॉट FA ऐड करेंगे कलर हैश BD0C0C, और ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे, आइकन्स कलर चेंज हो रहा है होवर करने पे। अब वापस से चलेंगे HTML फाइल के अंदर, सर्विस लिस्ट के अंदर हम ड्रॉपडाउन मेन्यू ऐड करेंगे, इसके लिए ऐड करेंगे डिव डॉट ड्रॉपडाउन मेन्यू, और इसके अंदर ULLI एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर टाइप करेंगे
वेब डिज़ाइन, और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। और कंटेंट चेंज करेंगे। मार्केटिंग, मोबाइल ऐप, ड्रॉपडाउन मेन्यू को कॉपी करके सीएसएस के अंदर ऐड करेंगे। डॉट ड्रॉपडाउन, और इसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी डिस्प्ले नन, होवर को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। और इसके बाद ऐड करेंगे ड्रॉपडाउन मेन्यू और डिस्प्ले ब्लॉक। अब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करेंगे होवर करने पे। नेक्स्ट ऐड करेंगे पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट, ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट करके। स्पेस यूएल ऐड करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन 10 पिक्सल। ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। ड्रॉप डाउन यूएल कॉपी पेस्ट, स्पेस एलआई, और इसके अंदर विड्थ 150 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। अब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे और सीएसएस के अंदर ड्रॉपडाउन मेन्यू के अंदर ऐड करेंगे बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो हम कॉपी कर लेते हैं। और पेस्ट कर लेंगे और ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड हैश E3 ED F7। ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करेंगे। अब सीएसएस में अब ऐड करेंगे मार्जिन टॉप 6 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट -15 पिक्सल, और वापस से रिफ्रेश करके चेक करेंगे। अब चलेंगे HTML फाइल के अंदर, और यहाँ पे मार्केटिंग में ऐड करेंगे हम इनर मेन्यू। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे div डॉट इनर मेन्यू, और इसके अंदर UL LI एंकर टैग, और कंटेंट ऐड करेंगे SEO। इसको 3 बार डुप्लीकेट कर लेंगे। चेंज करेंगे सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर एक क्लास ऐड करेंगे होवर मी, और इसको कॉपी करके ऐड करेंगे सीएसएस फाइल के अंदर। डॉट होवर मी इनर मेन्यू, इन दोनों से पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ऐड करेंगे डिस्प्ले नन स्पेस इम्पोर्टेंट, और इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे होवर स्पेस इनर मेन्यू पेस्ट। ऐड करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, डिस्प्ले ब्लॉक इम्पोर्टेंट। ब्राउज़र रिफ्रेश करके चेक करेंगे। मार्केटिंग के अंदर इनर मेन्यू अप्लाई हो रही है। अब सीएसएस के अंदर ऐड करेंगे मार्जिन टॉप -40 पिक्सल इम्पोर्टेंट। ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करेंगे। वापस से सीएसएस के अंदर मार्जिन लेफ्ट 160 पिक्सल, और ब्राउज़र रिफ्रेश करके इनर मेन्यू का अलाइनमेंट चेक करेंगे। अब चलेंगे सीएसएस फाइल के अंदर और बॉक्स शैडो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करेंगे। वापस से सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड ऐड करेंगे।
ब्राउज़र को रन करेंगे। अब चलेंगे एचटीएमएल फाइल के अंदर और मोबाइल ऐप के अंदर यहाँ पे इनर मेन्यू ऐड करेंगे। इसके लिए मैं होरमी क्लास को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और इनर मेन्यू को मोबाइल ऐप के अंदर पेस्ट करेंगे और कंटेंट चेंज करेंगे एंगुलर सॉरी एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप, आयोनिक ऐप। इसको दो बार डुप्लीकेट कर लेंगे और ऐड करेंगे फ्लटर ऐप, यूनिटी ऐप और ब्राउज़र को रन करके चेक कर लेंगे। अबाउट अस के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करेंगे। इसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू और यहाँ पे ऐड करेंगे ULLI एंकर टैग इसके अंदर और ऐड करेंगे मिशन। इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ऐड करेंगे विज़न टीम और ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे। और सिमिलरली टेक्नोलॉजी के अंदर ऐड करेंगे और यहाँ से इस पूरे कोड को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी के अंदर और यहाँ से ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और कंटेंट चेंज करेंगे टेस्टिंग डेवलपमेंट जावा एंगुलर PHP और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे दो बार पाइथन JSP। ये हमारा इनर मेन्यू हो गया और डेवलपमेंट के बाद ऐड करेंगे लिस्ट टैग, UI डिजाइनिंग और चेक करेंगे ब्राउज़र को रिफ्रेश करके। यहाँ पे मेन मेन्यू के ऊपर शेडो अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम चलेंगे CSS फाइल में और यहाँ पे एक माइनर सा चेंज करेंगे मेन मेन्यू के अंदर बॉक्स शेडो के अंदर -6 पिक्सल और वापस ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करेंगे शेडो अप्लाई हो रहा है। एक और माइनर सा चेंज करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स HTML और CSS का यूज़ करके ऑसम लुक एंड फील नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।